Hello everyone, good morning to all. I am Sakshi and I welcome all of you to Vishnu Classes. आज हम सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच के बारे में जानेंगे. इस बहुत सारी अप्रोच होती हैं, जैसे कि लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच. लेकिन जो सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच होती है वो पुराने टाइम में जो आइडियलिज्म होती थी उस पर बेस्ड होती है सारी. सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच में क्या होता है कि जो टीचर है उसके ही वो जो काम कहेगा बच्चा वही करेगा. एक आइडियलिज्म की भावना जो है बच्चे में उत्पन्न होगी. जो टीचर कहेगा, जो सिलेबस करवाएगा वही बच्चा करेगा. ठीक है, तो इस तरीके से हम सबसे पहले इसकी करैक्टरिस्टिक जानेंगे कि सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच होती क्या है. सबसे पहली है रिजिड करिकुलम. इसमें क्या है, रिजिड करिकुलम होता है, फ्लेक्सिबल नहीं होता. उन्होंने एक प्रिस्क्राइब सिलेबस दिया हुआ है, बच्चे ने वही करना है. मतलब कि जो टीचर ने कहा है बच्चा वही करेगा. नेक्स्ट है फिक्स टाइम. इसका जो है एक फिक्स टाइम होता है क्लासेस का, जैसे होता है सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच में भी एक फिक्स टाइम होता है. नेक्स्ट है बिग क्लासेस. पहले ज़माने में क्या होता था, कई बार बहुत ज़्यादा क्लास बच्चे होते थे क्लास में. जैसे एक क्लास में अगर 60 या 70 बच्चे होंगे तो टीचर जो है वो अपना ध्यान बच्चों में नहीं दे पाएगा. ठीक है, तो सब्जेक्ट के इर्द गिर्द ही जो है पूरी अप्रोच है ये. नेक्स्ट इज स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप. इसमें जो है स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप जो है इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाता. लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में जो है स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. नेक्स्ट है सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ कंसेप्ट. सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच में भी क्या है, सिस्टम से एक टीचर जो है प्रेजेंट करता है अपने कंसेप्ट को कि सबसे पहले जैसे मीनिंग आता है, फिर इम्पोर्टेंस आती है, डेफिनेशंस भी आती हैं. तो इस तरीके से एक सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच में भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग सभी प्रेजेंटेशन जो है सिस्टमेटिकली दी जाती है. नेक्स्ट है प्रमोट द रोट लर्निंग एंड क्रैमिंग. ये क्या करता है, रोट लर्निंग को रट्टा मारने जो रट्टा मारते हैं इसमें ज़्यादा इन्हांस होती है. क्योंकि सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच जो है कई बार बहुत ज़्यादा क्लास ज़्यादा होगी, बच्चे ज़्यादा होंगे तो बच्चे जो हैं वो ना अच्छे से समझ पाएंगे और ना ही टीचर जो है वो अच्छे से सभी पर ध्यान दे पाएगा. इसीलिए जो है रोट लर्निंग को भी ये कई बार इन्हांस करता है, प्रमोट करता है. नेक्स्ट है प्लान प्रोग्राम. सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच क्या है, एक तरह का प्लान प्रोग्राम है. पहले ही प्लान किया गया है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है. ठीक है, नेक्स्ट है प्रैक्टिस ऑफ स्किल्स. इसमें जो है डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स की प्रैक्टिस की जाती है. डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स के लिए ही बच्चों को उनकी डेवलपमेंट के लिए ही जो है सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच यूज़ की जाती है. सिंपल ऑर्गेनाइजेशन. इसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, सिंपल है. डायनामिक, ये डायनामिक है मतलब कॉन्टीन्यूज है. इसमें इंटीग्रेटेड है, दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड भी होती है सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच. नेक्स्ट है फैसिलिटेट इवैल्यूएशन. इससे क्या है, हम अच्छे से इवैल्यूएट कर पाते हैं बच्चों को. सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच जो है वो सभी सब्जेक्ट के इर्द गिर्द घूमती है. इसमें क्या है कि बच्चे जो हैं, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच नहीं है ये, लर्नर पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता. लेकिन किस पे ध्यान दिया जाता है, सब्जेक्ट मैटर पे. इन शॉर्ट अगर समझना है कि सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच क्या है तो ये क्या है, इसमें सब्जेक्ट मैटर पर जो है ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, टीचर पर ध्यान दिया जाता है. ठीक है, लेकिन जो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है उसमें लर्नर पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है. नेक्स्ट है इसके मेरिट्स. इसके मेरिट्स क्या है, इट इज़ क्वाइट प्रैक्टिकल. प्रैक्टिकली जो है इसे यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट है इट फोकस ऑन कंटेंट ऑफ लर्नर, कि लर्नर जो है उस जो कंसेप्ट है उसको अच्छे तरीके से समझे, उस कंटेंट को अच्छे से समझने के लिए जो है सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच जो है यूज़ की जाती है. नेक्स्ट है इट हैज़ डिफाइंड गोल. गोल्स जो है पहले ही प्रिस्क्राइब्ड होते हैं सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच में भी. इसमें जो है पहले ही कंटेंट मैटर बताया गया होता है, तो इसमें जितने भी गोल्स होते हैं डिफाइंड गोल्स जो है उनकी पूर्ति की जाती है. मतलब कि बच्चों को अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो इसलिए काम किया जाता है. नेक्स्ट है ईजी अप्रोच. ये जो है ईजी अप्रोच है, ईजिली जो है बच्चे जो है इसे समझ पाते हैं. नेक्स्ट है इट डिवेल्प्स अ हाई इंटेलेक्चुअल नॉलेज. बच्चों की जो नॉलेज है वो ज़्यादा इन्हांस हो इसीलिए सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच यूज़ की जाती है. लेकिन ये जो है सब्जेक्ट मैटर के लिए ही सारा है, जो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है वो इससे ऑपोजिट है. बिग क्लासेस, इसमें जो है बिग क्लासेस होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं इसमें सीख पाते हैं. और इसके डीमेरिट्स क्या हैं, ये बहुत ज़्यादा बुकिश है. मतलब कि सिर्फ इन्होंने सब्जेक्ट मैटर पर ही बहुत ज़्यादा जोर दिया है. अनसाइकोलॉजिकल है, बच्चे की जो साइकोलॉजी है उसके ऑपोजिट है ये. नेक्स्ट है अनप्रोग्रेसिव. इससे जो है बच्चे ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाते.
नॉट सूटेबल फॉर ऑल लर्नर्स, ये जो है बच्चों के लिए सूटेबल नहीं है। फॉर्मल स्कूलिंग नॉट सूटेबल फॉर ऑल लर्नर्स, सभी लर्नर्स के लिए जो है सूटेबल नहीं है, क्योंकि कई बच्चे जो हैं उनमें इंटेलेक्चुअल पावर ज़्यादा होती है और कई बच्चों में जो है इंटेलेक्चुअल पावर कम भी होती है। तो इसी तरीके से अगर हम सभी बच्चों को एक जैसे तो पढ़ाना है, लेकिन कई बार किसी एक बच्चे पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए ये अनसूटेबल भी है, क्योंकि ये एक ही सब्जेक्ट मैटर पर ज़्यादा ध्यान देता है। नेक्स्ट है फॉर्मल स्कूलिंग, ये क्या है, एक तरह का जो फॉर्मल हमारा स्कूल है उसी तरीके से ही है, सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच, कि सब्जेक्ट पर जो है ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट है मॉरल एजुकेशन निगलेक्ट, इसमें जो है ज़्यादा मॉरल एजुकेशन नहीं दी जाती, लेकिन लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में जो है मॉरल एजुकेशन भी दी जाती है। नेक्स्ट है हाई बर्डन ऑन लर्नर्स, ये क्या है, एक तरह का हाई बर्डन है, बर्डन है बच्चों पर कि ये सब्जेक्ट मैटर जो है उन्होंने करना ही करना है, चाहे अंडरस्टैंडिंग हो चाहे ना हो। तो कई बार जो है क्रैमिंग की पावर इन्हांस होती है बच्चों की और उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो कम हो जाता है। और नेक्स्ट है रिजिड, ये फ्लेक्सिबल नहीं है, ये रिजिड है कि उन्होंने ये सब्जेक्ट मैटर दिया हुआ है तो सभी बच्चों ने ये करना ही करना है। इस तरीके से सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच जो है वो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच से डिफरेंट है। होप यू लाइक दिस, थैंक यू।